अक्षय चवा और आज हम जानेंगे पटौड़ी रियासत की कहानी। पटौड़ी जो हरियाणा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी या अमीर रियासतों में से एक नहीं थी, पर इतिहास का खेल देखिए, खेल ही कहेंगे हम, कि भारत की, स्वतंत्र भारत की दो सबसे अगर लोकप्रिय चीजें हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड, इन दो चीजों का पटौड़ी रियासत के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। तो अगर हम देखें तो जो पटौड़ी रियासत की जो ग्लोरी है और नाम है वो 1947 के बाद शुरू हुआ, थैंक्स टू द एसोसिएशन विद क्रिकेट एंड बॉलीवुड। पटौड़ी जो है वो हरियाणा में गुड़गांव के पास स्थित है। पटौड़ी रियासत कोई बड़ी रियासत नहीं थी, अराउंड 50-52 स्क्वायर माइल्स की ये रियासत थी। और पटौड़ी रियासत ना ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी रियासत थी। पटौड़ी रियासत की कहानी शुरू होती है इनफैक्ट 19वीं शताब्दी में। उस समय मुगल दरबार में क्या हुआ करता था कि काफ़ी जो अफगान एडवेंचरर्स हैं कांदाहार, काबुल और उन जगहों से, वो हिंदुस्तान आते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। बिकॉज उस टाइम अगर आप देखें, ये 16वीं-17वीं शताब्दियों की बात है, तो अफगानिस्तान एक बहुत बैकवर्ड रीजन और गरीब रीजन हुआ करता था और भारत जो था वो बहुत समृद्ध था। तो ये जो मुगल शासक हैं वो जो ये जो अफगान्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्मार्ट अफगान्स हैं, उन्हें नौकरी दिया करते थे। तो ऐसे काफ़ी अफगान परिवार दिल्ली दरबार में आकर बस गए। उन्हीं में से एक था ये फैज तलब खान का परिवार। ये जो फैज तलब खान का परिवार है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सदियों से नौकरी करता रहा और अलग अलग औहदों पर रहा। पर क्या हुआ कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन के बाद पूरा मुगल साम्राज्य टूटने लगा। और उस वक्त क्या होता था कि ये जो सारे जो परिवार थे ये अफगान एडवेंचरर्स के, वो फिर अलग अलग जो पावर्स है उनको वो मदद करते थे। अब उस टाइम पे कैसा होता था कि ये जो अगर आप अफगानिस्तान से आए हो एक्स कबीले से, तो आप यहाँ पर आओगे, फिर आप आपके जो पहचान वाले हैं या कबीले वाले हैं अब कांदाहार या काबुल से, उनको बुलाओगे और आप अपना एक गैंग या ग्रुप फॉर्म करोगे ऑफ फाइटिंग फोर्स। और फिर किसी को भी अगर आपकी ज़रूरत है, जैसे कि अवध के नवाब को आपकी ज़रूरत है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय कर लिया, मराठों को आपकी ज़रूरत है तो आपने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या मुगल बादशाह को जरूरत, तो दीज वर कॉन्ट्रैक्चुअल मर्सेनरीज हम बोल सकते हैं कि जो उन्हें पैसा देता था वो ये जो कबीले का सरदार है और उनके आदमी वो उनके लिए फाइट करते थे। ये लेट 18th सेंचुरी की बात है। तो उस समय जो है वो रोहिलो ने काफ़ी दिल्ली के एरियाज के अराउंड लूटपाट किया था, जो अब्दाली है उसने दिल्ली पर हमला किया था, और जो मुगल बादशाह है वो लिटरली पपेट बन गया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप 1770s और से देखे 80s तक, लाइक तो तब जो दिल्ली का जो कब्जा था वो मराठों के अंडर था, थैंक्स टू महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ द टाइम, एंड उन्हें वकील मुतालिक या रीजेंट ऑफ द मुगल एम्परर बादशाह शाह आलम ने बनाया था। तब जो और उस समय जो सिंधियाज हैं, जो महादजी सिंधिया है और उनके सक्सेसर दौलत राव सिंधिया, वो दिल्ली और जो गुड़गांव पटौड़ी ये सारे जो इलाके हैं वो उन पर उनका कंट्रोल हुआ करता था। तो ये फैज तलब खान है वो पहले दौलत राव सिंधिया, जो महादजी सिंधिया के सक्सेसर थे, उनके सर्विस में थे। जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो वो जो लखनऊ के नवाब है शुजाउद्दौला, उनके साथ भी वो लड़ने गए थे। तो वो इस एरिया में ऑपरेट करते थे। और इनफैक्ट उनके जो फैज तलब खान के जो ब्रदर इन लॉ थे, वो झज्जर करके एक जगह है हरियाणा में, वहाँ के नवाब थे। तो जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ और उसमें दौलत राव सिंधिया की हार हुई, तब 1803 में, जो 1803-1804 का समय है, तब दिल्ली पर लॉर्ड लेक ने कब्जा कर लिया। और तब क्या हुआ कि ये जो सारे जो एक समय जो सिंधियाज के जो सपोर्टर्स थे नॉर्थ
इंडिया में वो सब स्विच कर गए और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। तो जिन्होंने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया उस समय अंग्रेजों को दिल्ली कैप्चर करने में मराठों के खिलाफ, उन्हें रिवॉर्ड्स दिए गए। तो इसीलिए मराठों के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए फैज तलब खान को ये पटौड़ी का इलाका एज अ गिफ्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया। नॉट ओनली दिस, जो फैज तलब खान और उनकी जो अफगान फाइटिंग फोर्स थी, उन्होंने अंग्रेजों की होलकर राजाओं के खिलाफ भी उन्होंने बहुत मदद की अंग्रेजों की होलकरों को हराने के लिए। स्पेशली जो रामपुरा भानपुरा करके जो मध्य प्रदेश में एक इलाका है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ठिकाना हुआ करता था होलकरों का, और होलकरों को हराने में फैज तलब खान और जो पटौड़ी की जो फाइटिंग फोर्स थी, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत मदद की। इनफैक्ट आगे चल के भरतपुर पर जब अटैक अंग्रेजों ने किया, तो उसमें भी जो वहाँ के जो जाट राजा हैं उनके खिलाफ पटौड़ी ने बहुत मदद की। तो बिकॉज पटौड़ी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में, इसीलिए फिर उसे एक रियासत की तौर पर बनाया गया। यू नो, इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। आगे चल के ये जो दोस्ती है पटौड़ी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो 1857 के रिवोल्ट में भी हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट ये पूरा हरियाणा अगर आप देखें, और दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, ये पूरा उत्तर भारत उस समय अंग्रेजों के रिवोल्ट के में खड़ा हो गया था। उस समय वेरी स्मार्टली जो पटौड़ी के राजा है, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जो गुड़गांव में जो अंग्रेज अधिकारी एंड ऑल जो ट्रैप हुए थे, उन्हें बचाने में पटौड़ी के जो नवाब थे अकबर अली खान, अब उस समय फैज तलब खान का निधन हो गया था और उनके सक्सेसर अकबर अली खान पटौड़ी के नवाब बने थे, तो उसमें मदद की। हमें ये भी रेफरेंस मिलता है कि दिल्ली से एक बागियों की, इनफैक्ट जो क्रांतिकारी गदर के जो क्रांतिकारी थे, उनकी फौज ने पटौड़ी पर हमला किया था और जो पटौड़ी की जो फौज, नवाब और फौज है, उन्होंने काफ़ी जंग की थी और काफ़ी जो क्रांतिकारी है वो इस पटौड़ी की जंग में मारे गए थे। उसके बाद यू नो, इनफैक्ट जो झज्जर के नवाब है, जो उनकी बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे पटौड़ी नवाब के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था और इसीलिए उनको फांसी देकर वो रियासत, झज्जर की रियासत ख़त्म कर दी गई थी। जो और एक जो जगह है रेवारी करके हरियाणा में, तो वहाँ के जो राव तुला राम है, वहाँ के जो जाट राजा थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था और उसे ख़त्म करने में भी पटौड़ी की फौज ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। तो इस तरह से ये जो 1857 तक पटौड़ी का अंग्रेजों के लिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी पावरफुल फाइटिंग फोर्स ऑन देयर बिहाफ। 1857 के बाद अनफॉर्चुनेटली पटौड़ी का महत्व खत्म हो गया, बिकॉज द एम्पायर बिकेम स्टेबलाइज्ड। उसके बाद पटौड़ी के कई नवाब आए, उनमें से अगर हम देखें तो सबसे सिग्निफिकेंट थे इफ्तिकर अली खान, ये जो मंसूर अली खान के पिताजी और सैफ अली खान के दादा। तो इफ्तिकर अली खान जो है वो 1910 में पैदा हुए थे और 1917 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया और 7 साल की उम्र में वो पटौड़ी के नवाब बन गए। उनकी माँ ने उन्हें ऑक्सफर्ड पढ़ने के लिए भेजा, जहाँ पर उनका क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट आया। वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, हॉकी प्लेयर थे, पोलो प्लेयर थे, ही वॉज वेरी एथलेटिक। इनफैक्ट वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उनका इंग्लैंड के क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ। इनफैक्ट 1932 में ही वॉज द वाइजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर उन्हें डिक्लेयर किया गया। और 1932 और 1933 की जो फेमस एशेज का जो टूर हुआ था, जिसमें इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया डॉन ब्रैडमैन के खिलाफ, जो उनका जो बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट टूर है, उनमें उनका सिलेक्शन हुआ था। और उस टाइम पे जो डगलस जार्डिन है इंग्लैंड के कैप्टन, उन्होंने डॉन ब्रैडमैन को
हराने के लिए वो बॉर्डर लाइन टैक्टिक्स, जैसे बॉलिंग के जो टैक्टिक्स है उन्हें इस्तेमाल किया था। और जब वो टेस्ट शुरू हुई तो पहले मैच में जो उनका जो इफ्तिकर अली खान है, नवाब इफ्तिकर अली खान, उनका जो डेब्यू हुआ था सिडनी में, उसमें उन्होंने 102 रन्स बनाए थे। पर उन्होंने देखा कि ये जो डगलस जार्डिन है वो अनएथिकल, उन्हें लगा कि ये जो बॉर्डर लाइन टैक्टिक्स जो डगलस जार्डिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के खिलाफ यूज कर रहे हैं वो गलत है, एथिकली गलत है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसकी वजह से उनके काफ़ी झगड़े हुए, आई मीन डिसएग्रीमेंट्स हुए। एंड ही बिलीव्ड कि जो क्रिकेट है वो एक जेंटलमैन्स गेम है और हमें इस तरह से यू नो किसी भी तरह से जीत या ऐसे टैक्टिक्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो बिकॉज उनके डिफरेंसेस हुए तो उन्हें वो एशेज टूर छोड़कर वापस लौटना पड़ा, वो उन्होंने और मैचेस नहीं खेले। पर आगे चल के भी उन्होंने फिर इनफैक्ट इंडिया में भी क्रिकेट खेला और इनफैक्ट 1946 में वो इंडिया के क्रिकेट कैप्टन रहे और 1947 में वो इंडियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू क्रिकेटर्स जो यू नो इंग्लैंड नेशनल टीम, इनफैक्ट आई थिंक ही वाज़ द ओनली क्रिकेटर जो इंग्लैंड नेशनल टीम और इंडियन नेशनल टीम दोनों के लिए उन्होंने खेला। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उनके जो ससुर थे इफ्तिकर अली खान के, नवाब ऑफ भोपाल, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि सारी रियासतें इंडिपेंडेंट रहे और भारत ना ज्वाइन करे। और ये तो बहुत फेमस किस्सा है कि कैसे हामिद अली खान चाहते थे कि वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, उनके उनके मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बहुत करीबी रिश्ते थे। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जिन्ना के बाद प्लान था कि हामिदुल्ला खान गवर्नर जनरल बनेंगे। पर एक बहुत ये इंटरेस्टिंग बात है कि इवन दो हिज फादर इन लॉ जो राज परिवार और रियासतों को भड़का रहे थे इंडिया के खिलाफ, जो इफ्तिकर अली खान है वो भारत के फेवर में रहे। और इनफैक्ट वीपी मेनन ने अपनी किताब एक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा है, कमेंडेबली लिखा है कि इफ्तिकर अली खान खुद दिल्ली आए और उन्होंने वॉलंटरीली अपनी रियासत भारत सरकार को सौंप दी, उन्हें कन्विंस नहीं करना पड़ा कि आप हैंडओवर कीजिए एंड ऑल। तो वो एक बहुत कमेंडेबल उन्होंने लिखा। अनफॉर्चुनेटली 1952 में वो से उनकी उम्र से 41 साल की थी, उनका पोलो खेलते वक्त हार्ट अटैक में निधन हो गया। और जो उनकी पत्नी थी बेगम साजिदा सुल्तान, उन्होंने जो रॉयल एस्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली ऑन बिहाफ ऑफ उनके जो बेटे थे, इकलौते बेटे मंसूर अली खान और उनकी तीन बहनें। बेगम साजिदा सुल्तान भोपाल की प्रिंसेस थी और जब वो पटौड़ी शादी करके आई तो तब एक बहुत खूबसूरत महल नवाब इफ्तिकर अली खान ने बनवाया था उनकी पत्नी के लिए, जिसे इब्राहिम पैलेस कहा जाता है। आज भी वो बहुत फेमस है बिकॉज आज वो सैफ अली खान और करीना कपूर का रेसिडेंस होने के कारण सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस है। तो ये जो पटौड़ी पैलेस है वो एक बहुत फेमस ऑस्ट्रियन आर्किटेक्ट थे, हाइंस करके, तो मोल्टे हाइंस करके, तो उन्होंने इस पैलेस को बनवाया था लटन्स के स्टाइल में। अनफॉर्चुनेटली अपने पति के निधन के बाद बेगम साजिदा सुल्तान पटौड़ी में ज़्यादा दिन नहीं रही, वो ज़्यादातर दिल्ली में रहती थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही पर उनका, बिकॉज वो भोपाल की राजकुमारी थी तो उनका जो भोपाल के साथ काफ़ी लगाव था। इनफैक्ट नवाब हामिदुल्ला खान के निधन के बाद वो भोपाल की बेगम बनी और जो सारी रॉयल प्रॉपर्टीज़ है वो उन्होंने इनहेरिट की बिकॉज उनकी बड़ी बहन पाकिस्तान चली गई थी। मंसूर अली खान भी अपने पिता की तरह एक बहुत ही अकम्प्लिश्ड क्रिकेटर थे। 60s के दशक में उन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इवन दो उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनका एक आँख डैमेज हो चुका था। 1975 तक वो क्रिकेटर रहे, भारत के कैप्टन रहे,
इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे। 1968 में उन्होंने बहुत ही फेमस इंडियन फिल्म एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के साथ शादी की एंड शी बिकेम द बेगम ऑफ पटौड़ी। उनका उनके बेटे हैं सैफ अली खान, जो आज बहुत फेमस फिल्म एक्टर है और आई मीन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और आज अभी के जो पटौड़ी के नवाब हैं। और उन्होंने जो सैफ अली खान है उनकी पहली पत्नी थी और एक फिल्म एक्ट्रेस अमृता सिंह, और अभी है जो करीना कपूर। तो पटौड़ी राज परिवार का क्रिकेट में नहीं पर इनफैक्ट बॉलीवुड से तो उनका काफ़ी करीबी रिश्ता है, क्योंकि सैफ अली खान की जो बहन थी सोहा अली खान या उनकी बेटी सारा अली खान, वो भी फिल्म लाइन से जुड़ी हुई है। तो आज अगर आप देखें तो जो पटौड़ी राज परिवार है वो शायद भारत के सबसे फेमस राज परिवार में से एक है। अब पटौड़ी पैलेस पहले है तो होटल बना था पर अभी वो बंद हो गया है, इट इज़ नाउ अ प्राइवेट रेसिडेंस ऑफ द फैमिली। पर जो खानदान का जो इतिहास है और जो एक रोल भारतीय इतिहास में नहीं पर एटलीस्ट भारतीय कल्चर में हम कह सकते हैं, वो अभी भी चल रहा है। तो ये थी कहानी पटौड़ी रियासत की।